नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश आपका फिर से स्वागत करता हूँ सुरसंगम में। दोस्तों आज हम बात करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कि अपने गले में खटका, मुर्गी या हरकत कैसे लेके आए। संगीत के बहुत सारे स्टूडेंट हमेशा ये सवाल करते हैं कि अपने गले में खटका या मुर्गी कैसे लेके आए। कुछ हरकतें ऐसी होती हैं दोस्तों जो गले में लानी मुश्किल होती हैं और ये केवल और केवल रियाज से ही संभव है। तो दोस्तों सबसे पहले ये जान लेते हैं कि खटका और मुर्गी होता क्या है। तो तीन सुरों के समूह को, तीन कोई भी तीन सुर, तीन सुरों के समूह को जल्दी से गाना गले में एक बारीक हरकत पैदा करता है और इसे मुर्गी कहते हैं। रिपीट कर रहा हूं, तीन सुरों के समूह को जल्दी से गाना हमारे गले में एक बारीक हरकत पैदा करता है, इसे हम मुर्गी कहते हैं। जैसे सारे गा आ रे गा मा आ, ये मुर्गी है और यह सुनने में बहुत मधुर होती है और इसका यूज सुगम संगीत या लाइट म्यूजिक के अंदर किया जाता है। तो आप किसी भी सुर से आप स्टार्ट करें, चाहे आप यहां से करें जहां से आरोह में करें, अवरोह, ऐसा नहीं है कि आप आरोह के अंदर करेंगे, अवरोह में भी कर सकते। गारे सा आ मागारी आ मागा आ, इस प्रकार से आप आरोह के सुर लें या अवरोह के सुर लें, कोई भी तीन सुर जिनको जल्दी से गाना जिसकी वजह से हमारे गले में एक बारीक हरकत पैदा होती है, इसको हम मुर्गी कहते हैं। उसी प्रकार चार सुरों के समूहों को जल्दी से गाना और लास्ट वाले सुर के ऊपर थोड़ा सा ठहरा हो, चार सुरों के समूह को जल्दी से गाना और लास्ट वाले सुर के ऊपर थोड़ा सा ठहराव खटका बनाता है। जैसे सारे गामा आ रे गामा पा आ, यह खटका है और खटके का जो यूज है ये क्लासिकल लाइट म्यूजिक, गजल, भजन, ठुमरी सब में इसका यूज किया जाता है। खटका और मुर्गी दोस्तों दोनों ही एक प्रकार की हरकत है जिसको कि हम अपने रियाज और प्रैक्टिस के माध्यम से अपने गले के अंदर ला सकते हैं। तो हमारे गले में ये हरकत बहुत जरूरी है कि अगर हम गायकी करते हैं तो खटका और मुर्गी की जो हरकत है हमारे गले में होना बहुत जरूरी है। इसके लिए कोई भी जो तीन या चार सुरों का अलंकार है या पलटा है उसका हम डेली रियाज कर सकते हैं। और जैसे कि आप चाहें तो इस प्रकार से भी कर सकते हैं कि खटका और मुर्गी दोनों का कॉम्बिनेशन हमारी प्रैक्टिस के अंदर हो जाए। तो उसके लिए आप जैसे कि सारे गामा गारे सा आ, सारे गामा गारे सा आ, रे गामा पा रे गा मा पा मा गा रे गा मा पा मा गा रे आ। तो इन सभी चीजों को यानी कि अलंकार या पलटा कोई भी ऐसा लेना है जिसके अंदर तीन या चार सुर हो और उनको जल्दी जल्दी करना है और इनको आकार, ओकार, उकार, एकार, इन सभी के अंदर करना है। तो इसकी वजह से हमारे गले में यह हरकत बढ़ेगी और आपको शुरुआत में हो सकता है प्रॉब्लम आ सकती है। आप चिंता ना करें, टेंशन ना लें और कोशिश ये करें कि जल्दी तो हमको करना है क्योंकि खटका मुर्गी जल्दी से गाना एक प्रोसेस है, लेकिन शुरुआत करने के लिए आप ये ध्यान रखें कि एक एक नोट है, एक एक सुर है वो क्लियर लगे, क्योंकि एक एक सुर है वो अगर शुद्ध लगेगा, साफ लगेगा तो वो एक बारीक हरकत, हर सुर एक बारीक हरकत पैदा करेगा। तो उसके लिए शुरुआती दौर में
आप बिल्कुल आराम आराम से करें, और फिर जब आपका प्रोसेस धीरे धीरे आपको लगे कि बैठ रहा है तो फिर आप स्पीड बढ़ाएं। जैसे सा रे गा आ रे गा मा आ, फिर आप धीरे धीरे स्पीड बढ़ाएं सा रे गा आ सा रे गा आ सा रे गा आ सा रे गा आ रे गा मा आ। जितना आप स्पीड में करेंगे एक समय के बाद वही आपके गले के अंदर यह हरकत डेवलप होती चली जाएगी। तो दोस्तों यह जो हरकत है आपके गले में जरूर होनी चाहिए अगर आप गायकी करते हैं, और इसको लाना बहुत आसान है, बस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। तो दोस्तों आप बस रियाज करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें, और इस खटका और मुर्गी का जो कॉन्सेप्ट है मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, और मेरा ये पूरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप लाइक और कमेंट करें, और इसी प्रकार का म्यूजिकल वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल बटन को भी प्रेस करें, और कोई भी अगर आपको सवाल करना है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, और बस आपका जो दिन है वो संगीतमय हो, ऐसी शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।